वेलकम इन विकास कोचिंग क्लासेस बाय विकास उपाध्याय। तो बेटा आज हम फिर से 10th क्लास की मैथ की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स शुरू की थी और हमने एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन उसमें कंप्लीट किया था। अब हम आ गए अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन में बेटा हम क्या देखने वाले हैं कि ये 4s² - 4s + 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कितना है हमारा 4 है, यहाँ पे कितना है 1। आओ सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम सॉल्यूशन करते हैं बेटा। पहले हम क्या करेंगे, 4 का एलसीएम निकालेंगे। 4 का 2 2 जा 4। बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा आपको। अगर आपको ना मैथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी अगर आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन बहुत इजी समझ में आएगा। मैं आज को तो बिल्कुल लड्डू बना देता हूँ, चिंता ही मत करना आप। 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4 होता है, 2 और 2 4 होते हैं। चलो 4s² - 2s - 2s + 1। 4s² - 2s - 2s + 1। इनको हम क्या करेंगे, पेयर बना लिया हमने इनका। इनमें कॉमन क्या गया, 2 और s, थोड़ा s बन जाइए, ठीक है s, ठीक है। अब दिख रहा है s, तो यहाँ पे हमने 2 2 जा 4 होता है और माइनस 2s तो हमने बाहर ले ही लिया था, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1। अब इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम -1 ले लेंगे, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस है। कुछ मजाक है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बाहर वाला एक तरफ, हमारा डायलॉग क्या, बाहर वाला एक तरफ अंदर वाला एक तरफ, अंदर वाला एक तरफ। तो 2s = 1, 2s = 1, 2s = 1। यहाँ पे s बराबर क्या हो गया, 1/2। यहाँ पे हो गया s = 1/2, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। इसको बोल दिया हमने अल्फा, इसको बोल दिया हमने बीटा, ठीक है, इसको बोल दिया हमने बीटा। अब इसमें देखेंगे a क्या है, हमारा a है इसमें 4, जो स्क्वायर के साथ होता है वो क्या होता है, ए होता है। जो अकेले वेरिएबल के साथ होता है वो क्या होता है, बी होता है। जो बेचारा अकेला होता है, कोई नहीं, वो सी होता है, ओके, ठीक है। देखो बिल्कुल मज़ा आएगा यार, बिल्कुल मज़ा आएगा। विकास उपाध्याय के साथ पढ़ रहे हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आओ हम देखते हैं, तो सम ऑफ जीरोज, बराबर क्या होता है, -b/a। अब भाई किसी को ये लग रहा हो, कोई हिंदी वाला स्टूडेंट है वो ये कहेगा सर सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो बेटा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है। अब इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा कितना है हमारा 1/2, बीटा भी कितना है 1/2 बराबर, बी कितना है हमारा -2, ए कितना है हमारा 4। आओ एलसीएम लेते हैं, 2 2 है, ठीक है, और ऊपर क्या बचा, 1 + 1 2, माइनस से माइनस कैंसिल, बेटा 4 है, बी कितना था 4, यस, ठीक है, तो हमारा आ गया 4/4, 4/4, 4 से 4 कट गया, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमारा आ गया 1/1, तो मज़ा आ गया, सम ऑफ जीरोस तो करने मज़ा आ गया, 1 1, ठीक है, 1 1 आ गया।
ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, सम ऑफ जीरोस तो हमारा वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, भाई हिंदी में बता दो, हिंदी में चलो बता दो, तुम लोग कह रहे हो इसे बता रहा हूँ। सी अपॉन ए, सी अपॉन ए वन अपॉन फोर, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हिंदी में बोला था बताने को, वन अपॉन टू मल्टीप्लाई वन अपॉन टू, अल्फा इंटू बीटा बीटा, ठीक है, तो वन वन जा वन, टू टू जा फोर, वन अपॉन फोर, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। वाह मजा ही आ गया, टेंथ क्लास बहुत ईजी है, ठीक है। तो बेटा मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेनी, हर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर।